Hey guys, welcome to Bengali Explain. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल फिल्म का फुल एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जो आप लोगों की होश उड़ा सकता है। पहले बता देती हूँ, इस फिल्म का डायरेक्टर है श्रीजीत मुखर्जी। सो वेलकम फ्रेंड्स, अ मूवी रिव्यू ऑफ निर्वाक, जिसका इंग्लिश का अर्थ है स्पीचलेस। 2015 में ये फिल्म आई थी। अब इसका IMDb रेटिंग है 6.1। आहा, IMDb रेटिंग में मत जाइए डियर, क्योंकि फिल्म समझने के लिए इंडियन ऑडियंस को बॉलीवुड के फालतू फिल्मों से बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है सैमसन। सैमसन की बीवी बहुत पहले ही मर चुकी है और ये बात हम लोगों को पता चलता है दीवार में लगी हुई कुछ फोटो से। सुबह उठकर सैमसन खुद को आईने में दिखता है और आईने में खुद को ही किस करता है, क्योंकि वो खुद से बहुत ही प्यार करता है। थोड़ी ही देर बाद उसके घर की काम वाली बाई आती है और खूब शाउटिंग करके काम करती है। सैमसन मन ही मन रेडी हो जाता है और उसका मदर का कॉल आता है। वो बताती है सैमसन को कि हैप्पी बर्थडे। फिर सैमसन एक लेटर लिखती है उसकी मदर के लिए। उसके बाद सैमसन घर से निकल के एक पार्क में जाता है और वहाँ पर बैठ के एक बुक पढ़ता रहता है। फिर होती है हमारी मेन कैरेक्टर की एंट्री, सुष्मिता सेन की। वो आती है और सैमसन के साथ बैठ जाती है और कहती है वो मुझे इस शहर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सैमसन कुछ नहीं कहते हैं। पास में एक चना वाला सेल कर रहा था, उसके पास से चना लेके खा रहा था। यही देख के सुष्मिता जो थी वहाँ से चली गई। सैमसन वहाँ से सीधा होटल गया, केक और शैम्पेन ऑर्डर किए। केक आते ही उसने अकेले ही सेलिब्रेट की उसकी बर्थडे और उसके मुंह में वो खुद ही केक लगाया था। शैम्पेन पी और सीधा फिल्म देखने चले गया। कट होते ही सुबह का माहौल दिखाया जाता है कि सैमसन बाथरूम में नहा रहा था मुंह में साबुन घिस के। अचानक से ही उसके हाथ से साबुन नीचे गिर जाती है और साबुन से उसके पैर फिसल जाता है, तब पेन गिर जाता है। फिर जब उसका होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होता है। नेक्स्ट सीन में सुष्मिता को दिखाया जाता है कि वो उसके हस्बैंड को एयरपोर्ट से लाने जाती है। फिर वो दोनों एक पार्क में जाता है और उसके हस्बैंड के नाम है राहुल। राहुल सुष्मिता को ये कहती है कि कोलकाता को छोड़ के चलो हम दोनों दिल्ली चल जाते हैं। सुष्मिता इनकार कर देती है। राहुल को बहुत ही तकलीफ होता है ये बात सुन के। फिर राहुल डिसाइड करता है कि सुष्मिता के साथ यहाँ पर ही रुक जाएगा और आपस में दोनों किस करते हैं। कोलकाता में शिफ्ट होकर जब राहुल सुष्मिता को अपने घर बुलाया था तब उसने एक कप में चिप्स और सुष्मिता के पैरों में लाल टोमेटो केचप लगाया था। क्योंकि सुष्मिता घर में एंट्री ली तब घर से पिंगी यानी राहुल का डॉग निकल आया। वो ज़रा सुष्मिता को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि अनजान था वो। फिर राहुल जैसे तैसे करके बिंगी को चुप करा देता है। सुष्मिता के आने से बिंगी बहुत ही दुखी रहता था। वैसे ही एक दिन राहुल नॉर्मली ऑफिस जाता है और घर में बिंगी और सुष्मिता ही रह जाती है। रात को जब राहुल घर पे आते हैं तब वो देखती है कि सुष्मिता घायल हुई होती है। फिर राहुल बहुत ही डिंग करके बिंगी को बहुत मारता है बेल्ट से। फिर जोर जोर से रोने लगते हैं सुष्मिता के पास। सुबह होते ही पिंगी को लेके राहुल और सुष्मिता घूमने जा रहा होता है। तो ड्राइविंग करते करते राहुल देखता है पिंगी गाड़ी से निकल के जा रही है। उसी वक्त ही राहुल गाड़ी को रोक लेते हैं और उन दोनों का सामने से एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में राहुल कोमा चले गया था और सुष्मिता की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुष्मिता की डेथ बॉडी को एक मॉर्ग में लाया जाता है, जहाँ सारे डेड बॉडी रखा जाता है। वहाँ एक लोग रखा हुआ था जो लाशों की देखभाल करता था, उसका नाम मृत्युंजय है।
फिर मृत्युंजय एक गाना बजाते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और तभी उसी टाइम पे सुष्मिता के लाश से वो सफ़ेद कपड़े हट जाती है और मृत्युंजय का नज़र उस लाश पे जा गिरती है। मृत्युंजय देखता है उस लाश को बहुत करीब से और उसे प्यार हो जाता है। मृत्युंजय उस लाश को लेके बहुत सारे सपने देखते हैं, जैसे कि वो दोनों घूमने जा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये सब सपने देखते रहते हैं। स्किन कट होते मृत्युंजय को दिखाता है, ड्रॉयर से लाश को निकाल के मृत्युंजय कहता है हाय मैडम, और एक रोज़ उसको ऑफर करती है और बोलने लगता है कि क्या मैं आपके बालों को छू सकता हूँ। फिर उस लाश को ऊपर करके पॉकेट से कंघी निकाल के उसके बालों को ब्रश कर देती है और फिर ड्रॉयर में ही रख देती है। मृत्युंजय को बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ रहना। अचानक से ही मृत्युंजय को बाहर में एक आदमी बुला रहा था। मृत्युंजय बाहर जाता है, पूछते हैं जे क्या हुआ, तो आदमी उसे कहता है कि एक घंटे के लिए इस लाश को हमारे पास छोड़ दो, इसके बदले तुम जितना पैसे चाहे ले लो। तो मृत्युंजय मॉर्ग के दरवाजे को ऑफ कर देता है और चाबी को अपने खुद के पास रख के कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं इस लाश को तुमको नहीं दूँगी। और इसी बात से वो आदमी मृत्युंजय के ऊपर हावी हो जाता है और मृत्युंजय को चाकू से मार डालता है। लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सुष्मिता के बॉडी को लेने आया है, इसलिए उसके बॉडी को निकल रहा है और मृत्युंजय की बॉडी को ड्रॉयर में रखा जा रहा है क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो गाइस, इस फिल्म में एक चीज़ तो कॉमन है, साइलेंट लव और सुष्मिता। फिल्म में चार कहानी डिस्क्राइब किया गया है, उनमें से सुष्मिता एक कॉमन कनेक्शन है। बहुत ही क्लासिकल फिल्म है ये, और डायरेक्टर इस फिल्म में एक मैसेज भी देता है कि आपको लव प्यार हर वक्त किसी भी टाइम पे हो सकता है। गाइस, में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो गाइस इस वीडियो में कुछ भी भूल त्रुटि हुआ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।